पर्टिकुलर सिचुएशन से डील नहीं करना, मतलब हर सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो, मतलब गुड क्वेश्चन, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई भी सिचुएशन है उसको मैं किस तरह से देखता हूँ, किस तरह से डील करता हूँ, और ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते उसको अच्छे से डील जब खुद उस सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी नोट किया हो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं वैसे ही आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ जैसे मैं खुद डील कर रहा होता हूँ सिचुएशन से, आप समझ रहे हो ना, कि मैं ये नहीं कि आपको थ्योरेटिकली ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर आकर के, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ज्ञान देते हैं कि आकर के आपको बोल रहे हैं कहीं से पढ़ करके कि देखो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उनकी लाइफ देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट है जो वो कह रहे हैं दुनिया को, एक्चुअल में जब उनको आप जाकर के देखोगे उनके घर के अंदर या यहाँ पे वहां पे या एक्चुअल में उनके माइंड के अंदर अगर आप झांक करके देखोगे तो आपको नजर आएगा वहां तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब तो दुनिया को बोलने की बातें हैं। तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा मैं कैसे करता हूँ, वो ऐसे कर पाता हूँ कि मेरा ध्यान कभी भी बाहर नहीं होता है, अभी आप लोगों के साथ में हूँ तो अभी मैं आपके साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ऊपर लेवल से नहीं हो रहा हूँ, अंदर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप देखोगे उसके ऊपर मैं अपने आप ही आता चला जाऊँगा, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको मेरे से पूछना है कुछ, आपने नोट किया होगा कई सेशंस में कि मैं कुछ बोलता हूँ आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही वो क्वेश्चन खुद ही उठा करके खुद ही आंसर दे देता हूँ, तो समझ रहे हो क्या हो रहा है कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, किस लेवल पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से कब कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जब एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है फटाफट से, बस मुझे अपना मतलब निकालना है तो ऊपर ऊपर से मैंने कनेक्ट किया, आपको इम्प्रेस किया, अपना काम निकाला, मेरी जेब में मेरे पैसे आए और चलो जी जाओ आप अपने रास्ते में अपने रास्ते हैं, वो नहीं। बट डीपली कैसे कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी अकेले में होता हूँ तो अपने अंदर की दुनिया को देखता रहता हूँ, तो अगर मैं अपने अंदर की दुनिया को समझता हूँ तो मैं आपके अंदर की दुनिया को भी समझता हूँ, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं है, गुस्सा मुझे भी आता है आपको भी आता है, तो अगर मुझे समझ आ गया मुझे अपने गुस्से को कैसे हैंडल करना है तो मुझे ये भी समझ आ गया कि आपके गुस्से को कैसे हैंडल करना है, मतलब मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ, कोई भी बैठ सकता है बशर्ते आपका ध्यान बाहर से हट करके अंदर की तरफ चला जाए। अब अंदर की तरफ ये नहीं है कि बैठ करके कुछ अंदर धूम धमाके कर रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं और अंदर कुछ हो रहा है, लाइटें दिख रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब नहीं है। एक है बाहर हमारा ध्यान रहता है, एक है अगर बाहर से आपको किसी ने कुछ कहा तो आप क्या करोगे या क्या करते हैं हम कि हम रिएक्ट करते हैं और फिर हमारा ध्यान इसकी तरफ होता है कि वो सामने वाला क्या बोलने वाला है, आप समझ गए ना। सब लोग ऐसे चल रहे होते हैं, मैं कैसे चल रहा होता हूं, अगर मैंने किसी को कुछ बोला या सामने वाले ने मुझे कुछ बोला तो मैं देख रहा हूं मेरे अंदर क्या कहानी चल रही है, मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सामने से कोई बड़बड़ कर रहा है, समझ गए ना, किसी का नेचर है फालतू बोलते रहने का, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे अंदर इरिटेशन पैदा हो रही है तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, बाहर जो बंदा है उसको नहीं, आपका दिमाग ये चलेगा बाहर वाले को कैसे हैंडल करना है, तो उससे क्या होगा अंदर की दुनिया को कभी समझ नहीं पाएंगे, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप क्या करोगे, उस बोर्डम का इलाज ढूंढोगे, बोर क्यों हो रहे हो, अभी कुछ करने के लिए नहीं है तो आप क्या करोगे, फटाफट से कुछ करने लग जाओगे, मैं बोर हो रहा हूँ अगर कभी अकेले में बैठा हूँ बोर हो रहा हूँ तो मैं अपने अंदर झांक करके देखूंगा और मैं कहूंगा मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, डू यू एवर आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अपने आप से पूछते हो कि मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, क्यों मुझे कुछ चाहिए बिजी रहने के लिए, क्यों मुझे कोई मोबाइल चाहिए, कोई पर्सन चाहिए, किसी से बात करते रहना है, जो कुछ भी फालतू की बातें करनी है जिसका कोई सरपैर नहीं है, समझे, इधर उधर की बातें पॉलिटिक्स की इसकी उसकी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, आपकी जो सक्सेस है उससे उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बल्कि गंदगी है जिसको हम अपने अंदर भर रहे हैं और बार 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 करे चले आ रहे हैं, बट कभी बैठ करके अपने आप से पूछते हैं मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, पूछते भी हैं तो हम एक्सक्यूज दे देते हैं फटाफट से वी से उसकी वजह से आ रहा है, तो बात ही खत्म, अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, समझ गए ना, अगर आपको अपने पिताजी की वजह से गुस्सा आ रहा है और घर आपके पिताजी के नाम पे है तो अब आप क्या करोगे, अपने बाप को घर से बाहर निकालोगे, आप समझ गए ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस बैठ करके मन ही मन परेशान रह सकते हो, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, अरे नहीं कर रहे, आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना है, आप समझ गए ना, हम तो जा सकते हैं घर से बाहर, हाँ दैट इज अ गुड आइडिया बट कोशिश करके देख लो कोशिश करके देखो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमको लगता है कि हमारे जो घर के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है और बाहर बहुत अच्छा है, इस गलतफहमी से जितनी जल्दी आप बाहर आ जाओ ना उतना अच्छा है, आपके पेरेंट्स चाहे जैसे भी हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दुनिया देखी है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा हूँ अकेला, स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक से मटेरियलिस्टिक, जहाँ तक भी आपकी सोच जा सकती है वो सब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसके बेस पर कुछ बोलने वाला हूँ, आपके घर का माहौल जैसा भी है, आपके पेरेंट्स आपको उल्टा बोलते हैं,
सुनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपस में लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसा भी माहौल है, वो लाख गुना बेटर है बाहर जहां भी आप जा करके कहीं किसी आश्रम में या यहां वहां जा करके सेटल होने की सोच रहे हो, क्योंकि कहीं तो जाओगे, कहीं तो रहोगे, रहने के लिए छत तो चाहिए। वहां पर जो लोग होंगे उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होगी कि किस तरह से आपको यूज किया जाए अपना काम निकालने के लिए। आप मरते हो मरो, जीते हो जियो। आपके घर वाले आपको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। करना तो दूर की बात है, सोच नहीं सकते, बुरा नहीं सोच सकते, एंड में वही काम आएंगे। अगर आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको आकर के दो लगाएंगे कान के नीचे, लेकिन संभालेंगे भी वही। समझ रहे हो इसका मतलब, इस बात की डेप्थ देख पा रहे हो? हाँ, ये एक्सपीरियंस हमको समझ आती है, लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम इमीडिएट सॉल्यूशन सोचते हैं। या तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स बदल जाएं, हमारे आसपास में जो लोग हैं वो बदल जाएं, या मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं। समझ गए? मतलब दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हम सिचुएशन को ध्यान से समझें कि वो जो कर रहे हैं उनका बेसिक नेचर है। अगर उसको हम समझ पाए, अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देख पाए, तो हमें उनसे प्यार हो जाएगा। हम उनकी जगह होते हम भी यही कर रहे होते हैं। उनकी एक तरह की अपब्रिंगिंग है, किसी तरह के बैकग्राउंड से वो निकल करके आए हैं, उन्होंने लाइफ को एक नज़र से देखा है। एकदम से अब चेंज नहीं हो सकती इस एज में, हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, बट अगर हम भी नहीं कर रहे तो हम बेवकूफ हैं, खच्चर हैं जी। कैसा लगता है वर्ड? बुरा तो नहीं लगता ना, बड़े प्यार से बोलता हूँ मैं इसीलिए। हाँ ठीक है, ताकि आपको पता हो कि अगर आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो आप खच्चर हो, क्योंकि उसको आप कभी बदल नहीं सकते हो। बाहर लोगों के लिए कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर सकते। फिर चाहे उनको अच्छे के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आप खच्चर हो। समझ गए ना? नहीं समझे? ये बात नहीं समझे? हाँ हाँ, कि मेरे सेशन सुने, मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या करते हो, बताना कि ऐसा मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। मेरे सेशन सुने, 5-10 सेशन, बड़ा अच्छा लगा अंदर से, लगा मैं तो बदल गई हूँ। अरे सुनने से कोई बदलता है क्या? तो सुने और लगा कि मैं तो, मेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, और अब मैं किसी को भी पॉजिटिव कर सकती हूँ। और गए लोगों को ज्ञान बांटने के लिए कि ये संदीप महेश्वरी है, इसके सेशन देख तू, और उसने आकर के उल्टा बोला संदीप महेश्वरी के बारे में, समझिए। और अब आपको गुस्सा आ रहा है, होता है नहीं होता है? और फिर आप कहते हो वो समझ क्यों नहीं रहा है? आपने ठेका लिया है उसका, उसको समझाने का? आपको क्या लग रहा है, अगर मैं जेन्युइनली अगर ऐसे सोचूं ना जैसे आप सोचते हो तो मैं पागल हो जाऊंगा? यानी कि मैं आपको बदलने की सोचूं, आप बदलने वाले हो? शक्ल देखिए अपनी शीशे में जा करके, मुझे पता है कोई नहीं बदलने वाला, सब वैसे के वैसे रहने वाले जैसे हैं। आप समझ, इससे क्या हुआ? मैं पीसफुल हो गया ना? अब मैं ये किस लिए कर रहा हूं? बिकॉज आई लव डूइंग इट। एक फूल है तो उसका काम क्या है? फूल इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। एक फूल है, उसका काम क्या है? खुशबू फैलाना। या फूल है तो उसमें से तो खुशबू आएगी ही आएगी, वो उसका काम नहीं है, उसका नेचर है। तो मेरा जो नेचर है मैं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपको कुछ फायदा होने वाला है। हो सकता है वो खुशबू आपको बदबू लगने लग जाए, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। या आप कहो नहीं ये तो बकवास है, ये है वो है, समझ पा रहे हो? तो सारा ध्यान कहां रखना है, जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब मिल गया आपको। कि जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझ लेते हैं तो बाहर की दुनिया हमें समझ आ जाती है, हमें सिचुएशन समझ आ जाती है, हमें प्रॉब्लम समझ आ जाती है, सॉल्यूशंस हमें साफ दिख जाते हैं, हमें समझ आ जाता है हम कहां गलती कर रहे हैं। सर क्वेश्चन, सर आप बदलने की जो बात कर रहे हैं कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, तो सर आप किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं? अगर आप सीखना चाहते हो तो आप संदीप महेश्वरी से क्या, एक गली के कुत्ते से भी सीख सकते हो। और सीखना नहीं चाहते तो मैं तो क्या, खुद भगवान भी आपके सामने आकर के बैठ जाए ना और प्रवचन दे, कुछ नहीं समझ आने वाला, उसको भी गाली दे करके साइड में हो जाओ। अब बताओ कौन आपको क्या सिखाएगा, कौन आपको क्या बदलेगा? तो अब किसके हाथ में है सीखना? आपके हाथ में है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इससे भी सीख सकते हो, आप नेचर से भी सीख सकते हो, आप उनसे भी सीख सकते हो, उन लोगों से भी जो आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनसे भी सीख सकते हो जो कुछ बुरा कर रहे हैं। अपने सक्सेस से भी सीख सकते हो, फेलियर से भी सीख सकते हो, लाइफ के हर मोमेंट में सीख सकते हो। लेकिन अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो मेरी बातें किस काम की है? तो क्या कंट्रोल आपके हाथ में है बदलने का या मेरे हाथ में है आपको बदलने का? आपके हाथ में है, तो मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं? समझ गए ना, ये दिमाग लगाने में कि मैं आपको कैसे बदलूं। समझ गए? यहां पर अभी मान लो देर आर से 70 पीपल सिटिंग हियर, ठीक है, तो उसमें से आई अज्यूम के 20% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली यहां पर आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए,
तो वो मेरी हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी देखेंगे कैसे बोल रहा हूँ, किस पैशन के साथ बोल रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से कुछ ले करके जाएंगे। कुछ हो सकता है यहाँ पर आए हैं ये सोच करके, अरे बातें बूतों का क्या है, एक सेल्फी क्लिक हो जाए बस बहुत है, लाइक्स आने चाहिए फेसबुक के ऊपर 200, तब उनको मैं ये मेरा बाप भी नहीं सिखा सकता, मतलब क्या सिखाएंगे, मतलब सोचो ना मेरी पूरी फैमिली भी बैठ जाए, मतलब मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, और आ करके कोशिश करें आपको सिखाने की, सीखोगे क्या? नहीं। तो मैं वहां पर अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं क्यों ये सोचूं कि आप में कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको खुद देखना है ना। मैं क्यों आपका ठेका लूं? ये जो ठेकेदार होते हैं ना, ये सोसाइटी के लिए ज्यादा खतरनाक है, सोसाइटी का भला करने का ठेका। अरे पहले आप अपना तो भला कर लो, सबसे ज्यादा करप्ट वही होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं ज्यादा नहीं, किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट ये जो कीड़ा काटता है ना आदमी को अंदर से कि मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे भला करना है, ये है वो है, इस कीड़े से अपने आप को बचा करके रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक कीड़ा है ये। आप किसी का भला नहीं कर सकते तब तक जब तक वो सामने वाला नहीं चाहता, यानी कि कंट्रोल आपके हाथ में 0% है, 0%। आपको, मुझे नहीं पता आप अपने अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो, सकता है कोई मेरे से यहाँ पर जेलस हो रहा है, आई डोंट नो दैट। अब जो आदमी मेरे से जेलस हो रहा है यहाँ पर बैठ करके बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, या मेरे से नफरत कर रहा है मन ही मन लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ है ढीठ आदमी, तो समझ गए ना, तो अब उसका क्या इलाज है, मेरे पास में क्या इलाज है, क्या मैं उसको सिखा सकता हूँ, उसको बदल सकता हूँ, उसका कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस ये कर सकता हूँ कि मैं उसकी वजह से अपना मूड खराब ना करूँ, अपने माइंड को खराब ना करूँ, अपना जो काम है वहां पर अपना ध्यान रखूँ, उसको पीसफुली करता चला जाऊँ।